नमस्कार दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहा है स्टॉक। और दोस्तों 76.75 रुपए की पर यहाँ पर स्टॉक का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 0.35 पैसे की यहाँ पर पूरी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है वन डे। और दोस्तों एक दिन की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली 35 पैसे की। और दोस्तों 0.45% का यहाँ पर गिरावट का दौर देखने को मिला है पीएनबी के शेयर में दोस्तों। और दोस्तों बात करें एक सप्ताह के अनुसार तो यहाँ पर शेयर एक ट्रेंड लाइन पैटर्न पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर शेयर ने खतरनाक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों 76.45 रुपए पर। अगर दोस्तों यहाँ पर यह शेयर स्टॉक ब्रेक करता है तो ब्रेक डाउन की संभावना यहाँ पर बन सकती है दोस्तों। अभी भी शेयर में बेहरी ब्रेक डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4.50% 4.5% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। 3.60 रुपए का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों। बात करें एक महीने के हिसाब से तो यहाँ पर 14% का यहाँ पर शेयर में स्टॉक में रिटर्न देखने को मिल रहा है पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक में। और दोस्तों 9.60 रुपए का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। शेयर ने यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ पर शेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर यह शेयर गैप डाउन ओपन होने की स्थिति में बनाया हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक का शेयर यहाँ पर दोस्तों गैप डाउन की स्थिति यहाँ पर शेयर में बनती हुई देखने को मिल रही है। सपोर्ट ब्रेक करता है तो भारी ब्रेक डाउन यहाँ पर शेयर में देखने को मिल सकता है दोस्तों। बात करें तो वन ईयर के हिसाब से तो और भी गिरावट की संभावना है सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में। और दोस्तों यहाँ पर भारी ब्रेक डाउन यहाँ पर शेयर में देखने को मिल सकता है। 59 रुपए धीरे धीरे यहाँ पर 50 रुपए तक आने की संभावना है शेयर में यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है। वन ईयर एक साल का यहाँ पर 112% का यहाँ पर रिटर्न शेयर में देखने को मिल रहा है। 40 रुपए की बढ़ोतरी के साथ पंजाब नेशनल बैंक देखने को मिल रहा है। गिरावट का दौर शेयर में देखने को मिल रहा है। 5 ईयर के हिसाब से भी यहाँ पर शेयर में गिरावट की संभावना यहाँ पर शेयर में बनती हुई देखने को मिल रही है। ऑल टाइम के हिसाब से और ऊपर जाने की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर शेयर में गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर थोड़ा समय आप रुक सकते हैं तो बाइंग की स्थिति यहाँ पर बन सकती है दोस्तों। यहाँ पर एक महीने का लॉस देखने को मिल सकता है आपको। 60 रुपए तक 70 रुपए तक यहाँ पर शेयर की नीचे आने की संभावना है। शेयर की प्राइस वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। 70 रुपए के नीचे आने की संभावना यहाँ पर शेयर में बन सकती है। और दोस्तों यहाँ पर टुडेज लो जो कि 76.05 रुपए का देखने को मिल रहा है, टुडेज हाई 78 रुपए का देखने को मिल रहा है दोस्तों। 52 सप्ताह का लो इस शेयर का जो कि 35.45 रुपए और 52 सप्ताह का हाई 83.50 रुपए यहाँ पर शेयर का देखने को मिल रहा है दोस्तों हाई। तो दोस्तों यहाँ से अब शेयर की लो की तरफ एंट्री देखने को मिल सकती है। 52 सप्ताह के लो की तरफ एंट्री इस शेयर की देखने को मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर शेयर में फ्यूचर ऑप्शन भी कर सकते हैं, इसमें जो कि पुट ऑप्शन आप बाय करने की संभावना यहाँ पर बनती हुई ज्यादा बनती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर शेयर्स गिरेगा तो पुट ऑप्शन लेने की संभावना यहाँ पर शेयर में ज्यादा बनती है दोस्तों। यहाँ पर स्टॉक की सेलिंग भी देखने को मिलती है जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और 52 सप्ताह के लो पर जाने के साथ हाई पर जाते ही शेयर में यहाँ पर गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर बाजार में निवेश करते हैं तो इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया आप अपनी जिम्मेदारी पर निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।